जय हिंद। फ्यूचर ऑफ इंडिया पर आप सभी का स्वागत है। स्टॉक मार्केट में सलासर टेक्नो इंजीनियरिंग लिमिटेड कंपनी के बारे में काफी चर्चा हो रही है। वजह है कि इस स्टॉक ने अभी 4:1 का जो बोनस दिया है, यानी कि एक के बदले चार एक्स्ट्रा शेयर्स मिले हैं, उसकी वजह से स्टॉक में एक शानदार तेजी देखने को मिल रही है। लगातार ये स्टॉक 5% 10% के सर्किट के साथ चल रहा है और जबरदस्त तेजी इस स्टॉक में देखने को मिली है। पिछले 52 वीक के सारे हाई रिकॉर्ड इसने तोड़ दिए हैं और मैं बताऊंगा बोनस के बारे में जो अपडेट है उसको भी, और साथ में इस स्टॉक में किसी को अभी तक इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाए हैं तो कहाँ पर वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और सबसे बड़ी बात क्या उन्हें इन्वेस्टमेंट करना भी चाहिए कि नहीं इस स्टॉक में, और जिनका पहले से इन्वेस्टमेंट है उनके लिए क्या रणनीति रहेगी, सारी चीज़ों पर बात होगी। चलिए शुरुआत समय से शुरू से करते हैं। तो अभी हम लोग यहाँ पर आ गए हैं बीएस इंडिया की वेबसाइट पर, और यहाँ पे देखेंगे मैंने सलासर टेक्नो इंजीनियरिंग लिमिटेड कंपनी को ओपन किया हुआ है। स्टॉक अभी एएसएम स्टेज 1 में है तो इस पे मत जाइए। एएसएम स्टेज कोई बहुत बड़ी रेड फ्लैग नहीं होती, इसमें इजीली बाय सेल आप कर पाते हैं जब नोटिफिकेशन में हम देखते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे 7 फरवरी की डेट में दो अपडेट आपको देखने को मिलेगा। एक में स्टॉक आज जो अपर सर्किट टच किया है और दूसरा जो 52 वीक का हाई इसने आज बनाया है। अपर सर्किट लगातार लग रहा है तो 52 वीक का हाई भी इसका टूटते जा रहा है, यानी कि ये स्टॉक एक नया हाई बनाते हुए ऊपर की तरफ जा रहा है, जो कि इसके इन्वेस्टर्स के लिए जिन्होंने पहले से इन्वेस्टमेंट करके रखा उनके लिए काफी बढ़िया बात है और खुशी वाली बात है। अब जब हम यहाँ पर कॉर्पोरेट एक्शन में आते हैं तो कॉर्पोरेट एक्शन में आप देखेंगे कंपनी ने 4:1 का बोनस शेयर अनाउंसमेंट किया। एक छोटी सी कंपनी, सामान्य तो बड़ी जो कंपनियां भी होती है वो भी 1:4 का बोनस अनाउंसमेंट करती है, 4 पे 1 शेयर मिलता है, लेकिन यहाँ पे 1 शेयर के बदले कंपनी आपको 4 शेयर एक्स्ट्रा देने जा रही है, जिसके लिए रिकॉर्ड डेट रखा गया था 1 फरवरी को। यानी कि 1 फरवरी के पहले पहले तक आपने इस कंपनी के शेयर को बाय कर लिए थे तब तो आपको इजीली इस कंपनी के शेयर मिलेंगे। और सबसे बड़ी बात की जो बोनस शेयर होता है ना वो रिकॉर्ड डेट से, जैसे ये रिकॉर्ड डेट है इसका, अब एक्स डेट और रिकॉर्ड डेट एक ही हो गया है, तो रिकॉर्ड डेट से 15 से 20 दिनों का समय लगता है पूर्ण रूप से बोनस शेयर्स को आपके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होने में। तो आपको यदि शेयर्स नहीं मिले हैं या शेयर्स आपके डीमैट अकाउंट में दिख रहे थे और अभी नहीं दिखे, तो आपको कम से कम 15-20 दिनों तक वेट करना है, इसलिए आपके डीमैट अकाउंट में शेयर्स आ जाएंगे। एक बार ध्यान रखिएगा, बोनस शेयर्स मिलने के बाद प्राइस का एडजस्टमेंट होता है, जिसकी वजह से शेयर प्राइस थोड़ा कम हो जाता है, तो उसको लेकर चिंता नहीं करेंगे मेरा शेयर प्राइस कम होगा, क्योंकि आपको भाई बोनस मिला है तो उस हिसाब से प्राइस भी कम होगा। सबसे बढ़िया बात है कि बोनस के साथ साथ कंपनी डिविडेंड भी आपको समय समय पर देती रहती है। पिछले साल कंपनी ने डिविडेंड दिया था और यहाँ पे एक लंबा चौड़ा हिस्ट्री है कंपनी के बोनस और डिविडेंड का, क्योंकि समय समय पर कंपनी आपको देती रहती है। तो यदि आपका इसमें इन्वेस्टमेंट है तो शेयर के प्राइस बढ़ने से तो फायदा होगा ही, साथ में जो कंपनी कॉर्पोरेट एक्शंस करती है समय समय पर उसको लेकर भी आपको एक अच्छी मतलब बेनिफिट हो सकती है। तो सलासर टेक्नो में जो कॉर्पोरेट एक्शन हुआ उसके बारे में हम लोगों ने जानकारी ले ली। अब चलिए समझते हैं कंपनी क्या काम करती है और इसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिहाज से कंपनी कैसी है, कहाँ पे हमें इसमें एंट्री लेना है। तो जैसे मैं आपको बता दूं, सलासर टेक्नो ये कंपनी 2006 में एज ए टावर मैन्युफैक्चरर कंपनी के तौर पर उभर के सामने आई थी, बाद में इमर्ज हो गई और अभी देखेंगे तो ये एज ए फास्ट ग्रोइंग स्टील मैन्युफैक्चरर के तौर पर कंपनी काम करती है। और साथ में आपको मैं बता दूं कि ये टेलीकॉम सेक्टर, एनर्जी सेक्टर और रेलवे सेक्टर को ये मैन्युफैक्चरिंग सर्विस प्रोवाइड करती है। मैन्युफैक्चरर के क्षेत्र में काम करने वाली कंपनी है। इंजीनियरिंग टेक्नो इंजीनियरिंग के नाम से यह स्पष्ट है कंपनी का जो काम है टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है। देखिए मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर में काम करने वाली कंपनी है उनका डिमांड हमेशा रहता है, चाहे वो छोटी कंपनी हो या बड़ी कंपनी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो इसके बेसिस पे कंपनी का शेयर प्राइस बढ़ेगा। फंडामेंटल समझते हैं कि क्या फंडामेंटली कंपनी स्ट्रांग है कि नहीं। देखिए कंपनी का जो मार्केट कैप है तकरीबन 5,359 करोड़ है। शेयर प्राइस लगातार बढ़ने से मार्केट कैप भी बढ़ते जा रहा है। हालांकि स्टॉक का पी काफी महंगा हो गया है, 105 हो गया, ये भी बढ़ते जा रहे हैं, ये पहले 100 था। देखिए स्टॉक का पी जितना कम उतना अच्छा होता है। यहाँ पे इसके जब हम पीयर कंपैरिजन की बात करते हैं, इसकी तुलना में जो दूसरे स्टॉक्स हैं जो इस सेक्टर में काम करते हैं उसका पी बहुत कम है, तो उसके हिसाब से देखेंगे तो वैल्यूएशन वाइज ये स्टॉक काफी महंगा है और शेयर प्राइस बुक वैल्यू से ज्यादा है, जो कि जाहिर सी बात है जब वैल्यूएशन वाइज महंगा है तो ज्यादा होगा। ठीक है, और हम लोग खैर चार्ट पर लेवल देखेंगे, वहां पर डिस्कस करेंगे कहां पर इसको उठाना है, तो हमारे लिए कुछ भी खास मायने नहीं रखता। रिटर्न ऑन इक्विटी और आरओसी जब देखते हैं तो ये आपको डबल डिजिट में देखने को मिलता है। ये काफी बढ़िया बात है कि आपके इन्वेस्टमेंट और कंपनी साल भर में इतना रिटर्न निकाल कर देने का दमखम रखती है। हालांकि कंपनी का डेब्ट टू इक्विटी रेशियो काफी हाई है, तो इस बात को ध्यान रखिए। हम लोग जब एक साल के चार्ट पर कंपनी का टेक्निकल एनालिसिस करते हैं तो यहाँ पर देखेंगे ये जो इंपॉर्टेंट लेवल था 15 रुपये से लेकर 10 रुपये, इसमें काफी दिनों तक इस स्टॉक ने समय बिताया था और जब इस कंसोलिडेशन इस स्टॉक ने बाहर निकला उसके बाद से पीछे मुड़कर नहीं देखा और लगातार ये हायर हाई बनाते जा रहा है। तकरीबन 15 रुपये से स्टॉक का प्राइस 35 रुपये पहुंच गया और अभी और भी ऊपर जाने के चांसेस है। मुझे लगता है कम से कम ये 45 से 50 रुपये पर जाके ही ये स्टॉक दम लेगा, वहीं पर जाके ये स्टॉक ठहरेगा, अभी बीच में रुकने का कोई चांस नहीं है। इसलिए जो नए व्यक्ति हैं अभी बीच में घुसने का मतलब चढ़ती रेलगाड़ी में चढ़ने की जरूरत मत कीजिएगा और ना आपको बहुत भारी घाटा हो सकता है। आपको वेट करना है ये प्राइस कहाँ पर जाकर रिट्रेसमेंट ले रहा है, रिट्रेसमेंट करके फिर जहाँ से ऊपर उठेगा वहाँ पर आप एंट्री ले सकते हैं, अभी तो एंट्री लेने की कोई बात नहीं है। देखिए जो पहले से इसमें इन्वेस्टमेंट करके बैठे हैं यदि प्रॉफिट ठीक ठाक हो गया है तो आप थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। मेरा कहना है कि आप हाफ क्वांटिटी इसमें से सेल करके प्रॉफिट बुक कर लीजिए, क्योंकि यदि लोअर सर्किट लग गया तो आपको दिक्कत हो सकता है, और चूंकि जब बोनस शेयर्स क्रेडिट होगा तो वैसे भी शेयर प्राइस का एडजस्टमेंट होगा तो प्राइस तो कम होगा ही। तो इसलिए मेरा कहना है कि आपको रिकॉर्ड डेट से पहले तो आप शेयर्स बाय किए, आपको बोनस शेयर्स ऐसे भी मिल ही जाएगा, आप
हाफ क्वांटिटी बेच के इसमें से प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। बाकी थोड़े से अन्य फंडामेंटल को जो हम देखते हैं तो कंपनी का यहाँ पर मैं दिखा दूँ, कंपनी का जो जिसमें बताया डेट टू इक्विटी रेशियो काफी आई है क्योंकि कंपनी के पास कर्जा जो है वो आपको बढ़ते हुए दिखे, कर्जा बढ़ते जा रहा है। हालांकि फ्री कैश फ्लो जो होता है कंपनी का वो भी बढ़ रहा है, लेकिन डेट टू इक्विटी रेशियो कंपनी का कम होना चाहिए, डेट कम होना चाहिए। बाकी कंपनी में जो प्रमोटर्स हैं, प्रमोटर्स की हिस्सेदारी बहुत बढ़िया है, ठीक ठाक इस स्टॉक में प्रमोटर्स हैं, तकरीबन यहाँ पर आप देख सकते हैं 63% के आसपास प्रमोटर्स है, तो उसे ठीक आ जाएगा। बाकी इस स्टॉक में थोड़े बहुत FII DIIs भी, चूँकि मैनुफैक्चरिंग सेक्टर का स्टॉक है, इसमें जो विदेशी निवेशक होते हैं अपने देश के जो इंस्टीट्यूशन होते हैं उनकी हिस्सेदारी इसमें होती ही होती है। तो यदि ओवरऑल बात करें सिलासर टेक्नो इंजीनियरिंग लिमिटेड एक बेहतर स्टॉक हो सकता है, डिपेंड करता है कि कहाँ पे आप इसको उठा रहे हैं, जिस लेवल पे उठा रहे हैं, निचले स्तर पे उठा रहे हैं तो बेशक आपके लिए बढ़िया रहेगा, लेकिन टॉप पे बाय करेंगे तो वो आपको किसी भी स्टॉक में नुकसान देगा। इसमें बाई एंड सेल की कोई रिकमेंडेशन मेरी पर्सनली नहीं है, आप जो भी कीजिएगा अपने सोच विचार और अपने एनालिसिस को गलत कीजिएगा, मेरे कहने पर मत कीजिएगा। बाकी इससे स्टॉक्स रिलेटेड एजुकेशनल पर्पज के लिए आप कुछ और जानकारी लेना चाहते हैं तो कमेंट में पूछ सकते हैं, व्यक्तिगत रूप से मुझसे जुड़कर बातें करने के लिए मुझको इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।